हेलो एवरीवन, नमस्कार। आइए बेबी फ्रॉक थर्ड ईयर बनाएं। दो नेट के कपड़े हैं और इसी प्रकार से हमें 60 इंच और 60 इंच मतलब 1.20 सेंटीमीटर हमें नेट का कपड़ा चाहिएगा, 1 मीटर और 20 सेंटीमीटर हमें लाइनिंग का। तो विथ लाइनिंग बनाएंगे। आइए मैं आपको लेयर बनाना बता देती हूँ। देखिए लेयर के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले और इस कपड़े को मैंने डबल कर लिया है क्योंकि ये नेट का कपड़ा है और इसलिए मैंने इसको डबल कर लिया है। डबल फोल्ड में कटिंग करेंगे तो मैं 6 लेयर टोटल मुझे 12 लेयर चाहिए, तो मैं 6 लेयर इस कपड़े की कटिंग करूंगी और 6 लेयर इसमें से लूंगी। डबल कलर हम मैच करेंगे। तो आप देखो, सबसे पहले आप इसमें लेंथ ले लो। ये मेरे पास देखिए 24 लेंथ आ गई है और 24 लेंथ को जो बाद का एक्स्ट्रा कपड़ा उसको हम कट करके अलग कर देंगे। अब हमें क्या करना है, देखो मैंने इसमें टोटल नाप लिया है तो ये टोटल हो रहा है यहाँ पे, इसकी जो टोटल चौड़ाई है यानी विड्थ है कपड़े की वो है 21 इंच। 21 है तो मैंने इसमें 7 इंच का एक जो कली, क्योंकि तीन कलियां इसमें लेनी है तो तीन लूंगी तो मैं ये 6 हो जाएगी, एक नीचे की एक ऊपर की, मतलब दो कली के हिसाब से कटेगी अकॉर्डिंग, तो ये टोटल 6 कलियां हो जाएगी। तो इसमें मुझे 3 कलियां कटिंग करनी है। देखिए इसमें आप 7 इंच ले लो, पहले यहाँ से आप बराबर कर लो लेंथ जहाँ से है आपकी, वहां से देखो मैंने 7 इंच पे ऐसे मार्किंग कर लिया है, ठीक है। अब नीचे भी मैं यहाँ से 7 इंच पे मार्किंग करूंगी, यहाँ से भी देखो मैंने 7 इंच पे ऐसे मार्किंग कर लिया है, ठीक है। अब जो मैंने ऊपर की साइड में यहाँ पे मैंने जो 7 इंच का मार्किंग किया है, यहाँ मैं 3.5 का बीच का सेंटर बनाऊंगी, आपको अच्छे से दिख जाए। ये देखिए ये 3.5 इंच है यहाँ पे और यहाँ पे मैंने बीच सेंटर बना लिया है ये वाला, ठीक है। अब बीच सेंटर से मुझे 3 इंच की लेनी है कली। 3 इंच की कैसी, देखिए 2 इंच की मुझे तैयार कली चाहिए, 12 कली तो 24 हो गए, 1 इंच मुझे सिलाई के लिए चाहिए। तो यहाँ पे मैंने देखिए ये बीच सेंटर 1.5 इंच पे है यहाँ और 1.5 इंच इस तरफ, 1.5 इंच इस तरफ, ये हो गया टोटल 3 इंच। तो ये मैंने यहाँ से 3 इंच के फैब्रिक पे मार्किंग कर दिया है, इसको मैं और घेरा कर देती हूँ ताकि आपको नजर आ जाए। ये हो गया है, ये है 3.5, ये टोटल है 7 इंच और यहाँ से हमने 7 इंच से यहाँ पे 3.5 पे हाफ पे सेंटर पे मार्किंग किया है, फिर 3.5 में हमने 1.5 इंच इस तरफ और 1.5 इंच इस तरफ ले लिया है। तो ये हमारी 3 इंच की ऊपर की कली हो गई है, यहाँ से 3 इंच की कली है। इस 3 इंच की कली को जितने नीचे 7 इंच का है ये वाला मार्किंग इसमें मिलाएंगे हम और इसको हम इस प्रकार से मार्किंग कर लेंगे। ये हो गया है। अब ये जो इस तरफ वाला मार्किंग है, ये देखिए ये वाला, इसको हम सीधा नीचे ले जाएंगे जो कि कॉर्नर है यहाँ पे 7, ये जो 7 इंच का है इस पार्ट इस तरफ ले आएंगे। तो ये मैंने इस तरफ इस प्रकार से मार्किंग कर लिया है। अब मैं इसको 9 इंच तक स्ट्रेट रखूंगी। देखिए ये जो 9 इंच बच्ची का जो ऊपर का चोली का पार्ट होता है जहां तक लगभग, तो कमर तक ये मैंने 9 इंच मान लिया है। तो 9 इंच तक मुझे स्ट्रेट रखना है, तो ऊपर से जैसे 3 इंच है तो यहाँ से भी मैं 3 इंच रखूंगी। तो ये देखिए ये मैंने यहाँ पे 3 इंच पे ऐसे मार्किंग कर दिया है और यहाँ पे 3 इंच पे ऐसे मार्किंग कर दिया है और इसको क्या करना है, हमें ऐसे सीधा कर लेना है। ये 3 इंच का यहाँ तक रहेगा और ये 3 इंच का यहाँ तक रहेगा, ठीक है। इसके बाद में ये आपको तिरछी लाइन दिखाई दे रही होगी। अब देखो इस तरफ से भी मैं 3 इंच पे मार्किंग करूंगी, तो ये मेरा 3 इंच पे मार्किंग हो गया है, ठीक है। अब यहाँ मुझे 7 इंच पे मार्किंग करना है, ये 7 इंच। इसके बाद यहाँ पे मैं 3 इंच पे मार्किंग करूंगी और इस तरफ नीचे की तरफ से मैं 7 इंच पे मार्किंग करूंगी। ये देखिए यहाँ पे, तो ये मेरा 7 इंच पे मार्किंग हो गया है, ठीक है। अब मुझे इस लाइन को 3 इंच को इसमें मिलाना है, तो ये देखिए मैं ऐसे मिला देती हूँ, ठीक है। अब मुझे इस लाइन को 9 इंच तक स्ट्रेट रखना है, तो ये देखिए ये आ गया यहाँ पे 9 इंच और इस तरफ में यहाँ पे 9 इंच। अब यहाँ पे मुझे सिर्फ 3 इंच रखना है, तो ये हो गया 3 इंच और ये हो गया 3 इंच। जो एक्स्ट्रा है ये इसमें चला जाएगा
और ये जो लाइन है ये देखिए, इसको हम ऐसे यहाँ इसमें मिला लेंगे जहाँ की हमारी 3 इंच की है, तो ये यहाँ से ऊपर तक ऐसे स्ट्रेट हो जाएगा। तो ये 3 इंच का हिस्सा रहेगा 9 इंच तक, और इसके बाद नीचे की कली हो जाएगी। अब और ये मैंने कलियाँ कटिंग कर ली हैं, 6 लेयर प्रिंटेड है, 6 लेयर क्रीम कलर की है। अब देखिए, 1 लेयर क्रीम कलर की और 1 रेड कलर की, हमने इसको ज्वाइंट कर लिया है। 6 लेयर का एक पार्ट है और 6 लेयर का एक पार्ट है पैटर्न। ये देखिए 2, 4 एंड 6, ये 6 कली का है। और ये मैंने आपको अस्तर कटिंग करके दिखाया है, इसको हम यहाँ पे ऊपर में ऐसे सेट करेंगे और बराबर में आप इसको ऐसे आलपिन लगा लो ऐसे। देखो ऑफ साइड, ये इसकी ऑन साइड है, और ऑन साइड पे मैंने अस्तर को ऐसे पिन से अटैच कर लिया है। अब मैं क्या करूंगी, सबसे पहले इसका जो नेक राउंड है, और नेक राउंड को हमें स्टिच कर लेना है, सिर्फ नेक राउंड को स्टिच करके और हम इसको अंदर की ओर फोल्ड कर दें। आगे पीछे दोनों पार्ट्स को नेक राउंड को स्टिच कर लो। बहुत ही आसान होती है बच्चों के लिए छोटी छोटी ड्रेसेस बनाना, और आप हमारे इस चैनल में हर साल के साइज की बेबी ड्रेस आप कटिंग और स्टिचिंग दोनों सीख सकते हैं। अगर आपकी बेबी की, देखिए मैं नॉर्मली साइज की बता रही हूँ, आपकी बेबी, क्योंकि बच्चे कोई पतले भी होते हैं, कई बच्चे उसी एज के होते हैं किंतु वो हेल्दी होते हैं, तो साइज चेंज हो सकता है। कोई जरूरी नहीं कि सभी बच्चों के एक ही साइज आए। 3 साल के बच्चे की जो चेस्ट होती है वो 24 भी है और 18 भी है और 20 भी है, क्योंकि मोटे पतले होते हैं बच्चे, तो बच्चों के अकॉर्डिंग आप अपने बच्चों के अकॉर्डिंग अपना साइज बना लें। तो ये देखिए मैंने इसको चारों ओर से स्टिच कर लिया है। नेकलाइन को स्टिच करके मैं अपनी आलपिन एक बार निकाल लेती हूँ, इसको कट करूंगी बीच के पार्ट्स को, और कट करके इसको मैं ऑन साइड पे फोल्ड कर दूंगी। बहुत सरल तरीका है नेक को इस प्रकार से बनाने का। ये मैंने इसको कट कर लिया है, और अब इस पे कट भी लगा देते हैं ऐसे, ताकि ये जो नेक है वो अच्छे से फोल्ड हो जाए। ऐसे, और इसको देखिए ऐसे, तो ये वैसे एक साइड का जो नेक है वो ऐसे फोल्ड हो गया है। इसी प्रकार से दूसरा पार्ट्स तैयार कर लेते हैं। पहले ये नेक लाइन दोनों पार्ट्स की जॉइंट हो गई है। अब देखो ये जो शोल्डर है हमारे, ये वाले, इसको हम शोल्डर से जॉइंट करेंगे। तो ये जो शोल्डर है, इस शोल्डर को इस पे मिलाएंगे नेट से, और जो अस्तर वाले शोल्डर है इनको लाइनिंग वाले से मिलाएंगे, और इनको सीधा स्टिच कर लेंगे। तो ये मैंने शोल्डर दोनों ज्वाइंट कर लिया। आप बच्चे की जो शोल्डर है वो ज्वाइंट कर लें। अब ये देखिए ये जो सिलाई है वो ऐसे अंदर चली जाती है, जो एकल स्टिचिंग किया है तो ये सिलाई अंदर चली गई है, और ये वाला नेक है और ये वाला नेक है, बैक साइड और फ्रंट साइड एक जैसी है, और ये जो सिलाई है वो पिकिंग हो गई है। इसी प्रकार से आप दूसरे शोल्डर को ज्वाइंट कर लें। अब हमने इसको शोल्डर ज्वाइंट कर लिया। अब देखो इसको ऐसे ऑन करके आप यहाँ से 8 इंच तक हमारी इसकी कमर होगी यहाँ तक, और इसके बाद हम इसको इसकी राउंड देंगे। तो यहाँ तक देखिए, सबसे पहले हम इसकी चेस्ट की मार्किंग कर लेते हैं, यहाँ 11 इंच। तो जो एक्स्ट्रा है देखिए बाजू में, यहाँ पे हमने हल्का सा टिक लगा दिया है, और इस तरफ भी 11 इंच पे ये मार्किंग कर लिया है। यहाँ से हम 2 इंच नीचे आते हैं, यहाँ पे कमर हमें रखनी है 10 इंच। आपको 11 इंच रखनी हो तो ऐसे 10.5 कर दीजिए, जैसे कि हमारे पास 22 थी कमर, तो यहाँ पे हो गया देखिए 10.5 इंच, ठीक है। और इसके इसको हम ऊपर से यहाँ से 8 इंच तक लगभग ये 10.5 रखेंगे, ठीक है। ये हो गया 8 इंच तक यहाँ से, और इसके बाद आप इसको फिर इस प्रकार से राउंड देंगे। ये यहाँ तक इतनी इसकी स्टिचिंग आके फिर हमको ऐसे इसकी, और जितनी हम सिलाई करते हैं वैसे इसकी साइड की सिलाई करनी है, ठीक है। और ये जो बाजू में एक्स्ट्रा है इसको हम यहाँ से कट कर देते हैं, क्योंकि बाजू की हमारे इसमें कटिंग की हुई नहीं है, तो इसकी हम आगे और पीछे कटिंग कर लेते हैं। अब ये मार्जिन की सिलाई हम निकालेंगे, हमने पूरा नाप ले लिया है, 11 इंच मतलब
सीने का रखा है और 10 इंच हमने कमर रखी है। पहले कि हम ये स्टिचिंग करें, पहले हम ये जो बाजू है इस पे ये डबल पट्टी लगा देते हैं। तो ये हमारी बाजू है, इसको हमने जो एक्स्ट्रा था वो कट कर लिया है और यहाँ पे इसको ये पट्टी अटैच कर देते हैं। तो ये देखिए ये डबल फोल्डेड है और आप इस प्रकार से अगर छोटी छोटी बच्ची के लिए आप डबल फोल्डेड लगाते हो तो ये बहुत इजी हो जाती है और इससे आपको बच्ची को बाजू भी अटैच हो जाते हैं और आपके जो है वो काम भी अच्छा और सरल हो जाता है और ये लगती भी बहुत सुंदर है, सिंपल और सुंदर लगती है। तो ये मैंने इसमें सिंगल कलर की और नेट की बाजू अटैच कर दी है। ये यहाँ पे अटैच हो गई है। और ये हमारी बाजू तैयार है, बाजू में भी जो एक्स्ट्रा उसको कट कर दें। और ये देखिए ये जो है आपकी बेबी फ्रॉक की बाजू है वो बिल्कुल तैयार है। इसमें हमने लगभग देख लीजिए 3 इंच की या 2.5 इंच की भी तैयार है, 3 इंच की पट्टी और डबल फोल्डेड कटिंग है और इसको अटैच कर लिया है। अब हमें इसको सीधी डायरेक्ट स्टिचिंग करनी है 8 इंच तक, ये ध्यान रखिए आप 8 इंच तक हम इसकी डायरेक्ट स्टिचिंग करेंगे और इसके बाद नेट के कपड़े की अलग करेंगे और जो नीचे का लाइनिंग का है उसकी हम सिलाई अलग करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। यहाँ पे आप अपनी बाजू का जो नाप है वो लगा लीजिए कि आपको बाजू कितनी चाहिए। जैसे मुझे ये बाजू जो है यहाँ से 9 इंच की चाहिए, तो मुझे चाहिए ये देखिए ये 4.5 इंच हो गया है हमारा बराबर में। मैंने इसमें आप अपनी गुड़िया के अकॉर्डिंग रख ले, 4 भी रख सकते हो और 4.5 भी आप रख सकते हो और उससे भी कम आपको रखनी हो तो आप 3.5 भी रख सकते हो। मैंने यहाँ पे रख लिया। अब मैं इसको 8 इंच तक यहाँ से और 8 इंच तक साथ में स्टिचिंग करूंगी दोनों की, ये पार्ट लाइनिंग वाला और नीचे वाला। इसके बाद में मैं सिर्फ ये नेट वाले पार्ट की स्टिचिंग करूंगी और लाइनिंग वाले को छोड़ दूंगी। तो ये देखिए ऊपर से 8 इंच कहाँ तक है, यहाँ तक हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। ये जो हालपिन लगाई हुई है इसको हम निकाल लेते हैं। ये हमारी यहाँ तक हो गई है इसकी स्टिचिंग, ठीक है यहाँ तक कर लिया मैंने 8 इंच तक इसको स्टिच कर लिया है। और अब देखो यहाँ से हटा लेती हूँ मैं, ठीक है मैंने यहाँ तक इसको हटा लिया है, नीचे वाले को मैं हटा देती हूँ। यहाँ से मैं सिर्फ 2 पार्ट्स की स्टिचिंग करूंगी, सिर्फ जो नेट वाले पार्ट्स है उन्हीं की मैं स्टिचिंग कर रही हूँ। तो ये भी आप ध्यान रखें, यहाँ से अब हमारी 2 नेट के पार्ट की स्टिचिंग स्टार्ट हो रही है। तो हम सिर्फ नेट वाली पार्ट्स की स्टिचिंग कर रहे हैं। ये देखिए इस प्रकार से आप सिलाई कर सकते हैं। तो ये हमारी एक साइड जॉइंट हो गई है और अब देखिए ये जो लाइनिंग वाला है इसको भी आप ऐसे ज्वाइंट कर सकते हो, यहाँ से हमें इसको ऐसे ज्वाइंट कर लेना है। यहाँ तक हमारी सिलाई आई हुई है, इसके बाद में हम इसको ऐसे अलग, मैंने आपको इसलिए दिखाया है कि आप इसको भी सिलना सीखे ताकि आपका जो ऊपर वाला पार्ट्स है उसकी भी आप अलग से स्टिचिंग कर सको और नीचे वाले अस्तर को भी आप अलग से स्टिच कर सको। तो ये दोनों अलग अलग हमने इनको स्टिच कर लिया है। और ये देखिए ये जो हमारी फ्रॉक की सिलाई है वो हो गई है। ये हमारी जैसे बाजू है और ये इसकी जो साइड की स्टिचिंग है जिसको हमने यहाँ नीचे तक और स्टिच कर लिया है। ये जैसे वन साइड क्या है वैसे ही ये वाली साइड भी हम ऐसे स्टिचिंग कर लेंगे, पहले बाजू लगाएंगे और इसके बाद में हम, और देखो ऊपर की सिलाई करने के बाद देखो अस्तर को इस प्रकार हटा देते हैं और यहाँ सिर्फ नेट के कपड़े पे 2 सिलाई लगा लेते हैं। इसके बाद अस्तर के कपड़े पे अलग से आप सिलाई अटैच कर लें। तो ये एक तरीका होता है ऊपर के पार्ट्स की सिलाई अलग करने का और नीचे के पार्ट्स की सिलाई अलग करने का। तो ये आपको समझ में आ गई होगी, सिंपल सी सिलाई है देखो इसमें। और ये बेबी फ्रॉक में ज्यादा अनारकली बेबी फ्रॉक है,
इसमें ज्यादा सिलाई नहीं है और बिल्कुल सरल है। पहले सीधी अनारकली पार्ट को जॉइंट करना होता है और इसके बाद इसको अस्तर को जॉइंट करना है बस। तो ये हमारी अनारकली बेबी फ्रॉक जो है वो बन करके तैयार हो गई है। अब आप इस पे और बेल्ट लगा सकते हो नेक वाला, तो मैं आपको बताऊंगी कि नेक में ये नेक राउंड में आप इस पे बेल्ट कैसे लगाओगे। तो इसका नेक राउंड का भी बेल्ट हम तैयार कर रहे हैं। और बेल्ट लगाने से पहले हम अस्तर के नीचे की पार्ट्स की ऐसे फोल्डिंग कर लेते हैं और यही फोल्डिंग हम अपनी नेट के पार्ट्स की भी करेंगे। जो देखिए नेक नेट में जो नीचे की साइड ये ओपन है, इसको आप फोल्ड करके ऐसे और ऐसे जैसे हम फोल्ड करते हैं बस ऐसे आपको फोल्ड कर लेना है। दोनों पार्ट्स को आप इस प्रकार से नीचे से ऐसे फोल्ड करके और स्टिच कर लें। ये मैंने इसको फोल्ड कर लिया और ये हमारी जो फ्रॉक है वो बिल्कुल सी तैयार है। ये देखिए। तो अगर आपको मेरी अनारकली बेबी फ्रॉक पसंद आई हो तो देखिए इसको लाइक कीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसी प्रकार से मुझसे जुड़े रहिएगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग संचित्य ऑल इन वन। थैंक यू ऑल सब्सक्राइबर्स। थैंक यू ऑल व्यूअर्स।